दोस्तों, ये गंगा स्नान की भूथा घटना पर आधारित वीडियो है। सुंदर अपने भाई और बहन माँ के साथ गंगा स्नान करने गया हुआ था, इसी पर आधारित ये पूरी कहानी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सुंदर सबसे बड़ा भाई था, मुकुंद सबसे छोटा भाई था और उसकी एक बहन थी, और अपने माता के साथ हुआ गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। और मुकुंद था वह काफी शरारती था, कभी बस में हाथ निकाल लेता, कभी इस सीट से उस सीट पर कूदक कर चला जाता, सभी यात्रियों को परेशान किया करता था। छोटे भाई की हरकतें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर सुंदर अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। वह उसे मार भी नहीं सकता था क्योंकि कुछ समय ही पहले सुंदर के पिता की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। अपने भाई बहन और माँ की जिम्मेदारी अब सुंदर के कंधों पर आ चुकी थी। सुंदर अपने पिता की ही अस्थियां विसर्जन करने के लिए गंगा किनारे जा रहा था। सुंदर परेशान तो था पर अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसे अपने भाई से लगाव भी काफी था, उसकी जिम्मेदारी थी उस पर और वो चाहता था कि अपनी जिम्मेदारी पूरे कर्तव्य से निभाए। सो अपने भाई को लेकर आराम से गंगा किनारे पहुंच गया। गंगा किनारे पहुंचने के बाद एक पंडित को पकड़कर अपने पिता की अस्थियां गंगा में प्रेम से विसर्जन करवाई। गंगा में जैसे ही स्नान करने के लिए सुंदर उतरा अपने मुकुंद भाई के साथ, लेकिन भाई का हाथ छूट गया, मुकुंद डूबने लगा। सुंदर काफी घबरा गया। सुंदर सोच रहा था कि मैं ये क्या कर बैठा, मुझसे कैसी गलती हो गई, मैं क्या जवाब दूंगा दुनिया को। लेकिन गंगा किनारे में बगल में ही दो तीन तैराक तैर रहे थे, कूदकर मुकुंद को बाहर निकाला। मुकुंद काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद मुकुंद को होश आया, पर होश आने के बाद मुकुंद काफी गुमसुम हो गया। वह चुपचाप रह रहा था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने भाई को एकटक देखे जा रहा था। जब सब घर लौट रहे थे तब भी मुकुंद काफी चुप था, बस में एकांत में बैठा हुआ था। उसके भाई ने समझा शायद सदमा लगा हो, लोग समझा रहे थे, माँ समझा रही थी, भाई समझा रहे थे। गांव में आने के बाद भी मुकुंद का यही हसर था, न वो तो किसी से बात करता था, न कुछ खेलता, न कहीं जाता, न अपने दोस्तों के साथ रहता, वह सिर्फ चुपचाप रहा करता था। कभी कभी मुकुंद बेहोश हो जाता, कभी रात में घर से निकल जाता, सुबह झाड़ियों में बेहोश पड़ा मिलता। अब सुंदर काफी परेशान हो गया, उसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो सुंदर ने एक तांत्रिक को बुलाना सही समझा। सुंदर एक तांत्रिक को अपने घर ले आया। तांत्रिक ने झाड़फूंक शुरू कर दी। जैसे ही झाड़फूंक शुरू की तो मुकुंद चिल्लाने लगा। चिल्लाकर वह सुंदर की तरफ देखकर और ज्यादा क्रोध में आकर चिल्लाता। जब तांत्रिक उस पर काबू नहीं कर सका तो किसी और बड़े तांत्रिक को बुलाया गया। जब बड़ा तांत्रिक आया तो उसने पूरे मंत्र के जरिए मुकुंद को बांध दिया और तत्पश्चात मुकुंद से पूछा कि बता तू कौन है और कहां से आया, इस बच्चे को क्यों पकड़ रखा है। तब मुकुंद के शरीर से वह आत्मा ने जवाब दिया कि मैं इसका पिता हूं, मैं अपने बच्चे के ऊपर अधिकार रखता हूं, मैं देखने आया हूं कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार कैसा है। तब तांत्रिक ने कहा कि तुम इस छोटे से बच्चे पर जुर्म कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा ये जो शरीर है यह नश्वर है, यह खत्म हो चुका है। अब तुम इसके ऊपर जितना देर रहोगे इसका शरीर का खून उतना समाप्त होते जाएगा और ये मृत्यु के उतना करीब पहुंचते जाएगा। तुम इसके ऊपर से हट जाओ, तुम्हारा परिवार सुखी है, तुम्हारा परिवार संपन्न है, तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब उस तांत्रिक ने भली भांति मुकुंद के पिता को, सुंदर के पिता को समझा लिया तब सुंदर के पिता वहां से चले गए। तब मुकुंद ठीक हो गया और पहले जैसे खेलता था वैसे खेलने लगा, कूदने लगा। मुकुंद को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ ऐसी क्या घटना घटी थी, उसे सिर्फ इतना याद था कि मैं गंगा में डूब रहा था। बस गंगा में डूबते ही उसके ऊपर उसके पिता ने वश कर लिया था। कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप अवश्य वीडियो में कमेंट करके बताएं। नीचे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हम आपके लिए जल्द नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।